शिवखोड़ी यात्री बस पर हुए हमले के बाद आज राजौरी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस एहतजाज के दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कारकुनों की तरफ से पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इन लोगों का मुतालबा था कि शिवखोड़ी यात्रियों पर हुआ हमला पूरी तरह से गैर इंसानी है और निहत्ते छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों को गोलियों का निशाना बनाया गया। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। बहुत ही दुखद घटना जो कल शाम रियासी के रनसू तहसील में हुई है, जिसमें हमारे यूपी और दिल्ली से जो यात्री हैं बाबा वहां पे दर्शन शिवखोड़ी में दर्शन करने के लिए आए थे, जो आतंकवादियों द्वारा कायराना जो है हमला किया गया उनमें, जिसमें हमारे 10 के करीब जो हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 30 के करीब लगभग जो हमारे यात्री जो हैं वो घायल हैं, जिनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आप जानते ही हैं कि जैसे अभी बाबा अमरनाथ यात्रा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ और साथ में मचेल माता की यात्रा जो है शुरू होने वाली है, उसके मद्देनज़र आतंकवादियों द्वारा जो है ये जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कारणवश हमारी यात्रा पे किसी तरह की भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सक्षम है कि अपने दम पे ये यात्रा जो है ये चला सकता है। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि जो लोग उनके मददगार हैं और जिन लोगों की सहायता से ये काम हुआ है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना जो है दोबारा ना हो। कल आतंकवादियों द्वारा एक कायरतापूर्ण और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया रियासी के अंदर। यूपी से यात्री थे जो अपना शिवखोड़ी में यात्रा दर्शन करने आई थी, उसके बाद जाने के बाद जो है वो अपना यात्रा वापस जा रही थी और उस पर कायरतापूर्ण हमला किया गया, घात लगा के हमला किया गया। मैं उन आतंकवादियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर आपको दम है तो सिक्योरिटी फोर्सेज से ले, क्यों निहत्ते लोगों पर यहाँ पर हो रहा है, कहीं ना कहीं यह जो है ये एक सोची समझ आई है। उनके जो लोग सपोर्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो रजौरी पुंछ में के अंदर या रियासी के अंदर आतंकवाद को द्वारा रिवाइव कर रहे हैं, मेरा प्रशासन से भी आसान रोदा है कि कृपया करके उनको एलिमिनेट करें और पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। सभी से निवेदन है जो हमारे वहां पे भाई शहीद हुए हैं उनके लिए एक मिनट का मौन रखेंगे।